ये बताओ मेरे को कि राम जी मतलब भाई राम जी मरे कैसे? एक ही नारा, एक जय श्री राम, जय श्री राम। ज्यादा लंबी लाइन है? लाइन तो भगवान के लिए क्या लाइन है, अब लंबी लाइन बताई जाएगी क्या? लेकिन ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे रावण आके पूजा कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम बोलते ना कान में, पूरे विश मानते, कुछ विश करते हैं। वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। तो भाई आज है 22 जनवरी और भाई आज राम जी का भाई अयोध्या में आगमन हो गया, मतलब ऐसा करके वगैरह कुछ। तो भाई काफ़ी स्पेशल डे है, हालांकि हर जगह छुट्टी वगैरह थी सरकारी सेक्टर में, लेकिन अपन लोग प्राइवेट सेक्टर वाले तो भाई उनकी छुट्टी हुई नहीं। सो वैसे लग रहा था ये ऑफिस के काम वगैरह में, और ये साइड में भाई ये भी खटपट में लग रहा था सुबह। असल में यहाँ पर अभी मैं वो बनवा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, टीवी LCD वगैरह का। LCD अभी नहीं लाऊंगा, लेकिन अभी भाई उसका जो साइड का होता है फ्रेम वगैरह वो सब बनवा रहा हूँ, तो अभी वो है। और भाई आज यहाँ से इतनी रैली वगैरह जा रही है ना, यहाँ घर तक आवाज़ जा रही है, इतने तगड़े तगड़े DJ वगैरह क्या ही बोले। तो सुबह तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन अभी क्या है, दोस्त लोगों ने प्लान बनाया। देख भाई जान पूछ क्या कर रहा है भाई, क्योंकि ये जान ही रहा है हमारे साथ, ये काम में लग रहा है। तो दोस्त लोगों ने अभी प्लान बनाया भाई, हमारे उधर ना एक मंदिर है काफ़ी, रावण का मंदिर है, तो उसको बहुत अच्छे से सजा रखा है। तभी सारे लुंडे लोग इंतजार में बैठे हैं मेरे, तभी वहाँ चलते हैं। और भाई देखता, अगर एंट्री हो जाती है तो देख के आता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सजा रखा है भाई। अभी मैंने जूते वगैरह पहन के तैयार हो गया था, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जूते बाहर उतारने पड़ेंगे, इसलिए मैं पुरानी चप्पल पहन के जा रहा हूँ, ताकि चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना सुबह सुबह मेरे जूते दिल्ली के चोर बाजार में बिकेंगे। हमारे घर में श्रद्धालु लोग ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़े दिए वगैरह, दिवाली भाई आज ही बन गई है भाई। मैं और मेरे साथ ये लुंडे लोग भाई सारे अभी जा रहे हैं मंदिर में, लेकिन अभी मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके बताओगे आप? आप जानते हो राम जी को अच्छे से? राम जी को जानते हैं, कौन नहीं जानता। तो ये बताओ मेरे को कि राम जी मतलब भाई राम जी मरे कैसे? नदी में डूब। हाँ भाई पता है, नदी में डूब। नदी में डूब मतलब डूब के नहीं, मतलब गए तो समाधि ले ली। क्यों ले ली? क्यों ली थी? क्यों ली थी? क्यों ली थी? मन भर गया था ज्यादा साल जीने में, उन्होंने कई मतलब 100 सालों तक ज्यादा तो भले कुछ कुछ हद तक सही है भाई, मेरे को भी नहीं पता वैसे क्यों ली थी, लेकिन यार इसको पता है भाई क्यों मैंने पढ़ी है। उन्होंने मतलब उन्होंने भाई जल समाधि ली थी क्योंकि सीता जी मर गई थी, वो उन्होंने अग्नि करवा ली। सीता जी तो मरी थोड़ी थी, वो धरती में दबा गई थी। धरती से भाई, भाई धरती से चली गई थी, मर गई थी, यही बोला। अभी आपको चारों तरफ आवाज सुनाई दे रही है भाई। इधर ना क्या है, पटाखे भाई लोगों ने ना दिवाली के बाद बचा के रखे थे कि वर्ल्ड कप जीतने में फोड़ेंगे, पर यार सैडली वर्ल्ड कप तो जीते नहीं, लेकिन भाई अब लोगों ने पूरी दुकान खुल ली है, दुकान खुल ली है भाई, आज पूरी दिवाली सी बन गई है भाई, पटाखे में पटाखे भाई। सारे सारे मंदिर अच्छे से सजा रखे हैं, ये वैसे है नहीं राम जी का मंदिर, लेकिन ये भी सजा हुआ है भाई, फुल आगमन का है भाई। ये दोनों कुछ बहसबाजी कर रहे हैं कि ये राम मंदिर का आगमन कुछ पॉलिटिकल था, लेकिन अब इनको ये नहीं पता चुनाव है किस चीज़ के। पीएम के? किसके? पीएम के भाई। पीएम के भाई, ये 2017 में आया योगी, ठीक है 2017 में बना। हाँ बस सीएम के तो हो गए, पीएम के होंगे। सीएम मना 2017 में, 2022 में किसके थे चुनाव? योगी ने जीता भाई। 2022 में किसके थे ये थोड़ा पॉलिटिकल बहसबाजी, और अब किसके होंगे? पीएम के होंगे। तो उसके पीएम के पहला कब हुए थे? 19 अभी अब आ गए हैं जहाँ पे हम मतलब आने के लिए निकले थे, अभी हम आए हैं। मतलब ये शिव मंदिर है भाई यहाँ पे, उदयनाथ गाजियाबाद का फेमस मंदिर है, लेकिन ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे रावण आके पूजा करता था। यही पे क्या है ना कि रावण का भाई हमारा तो गाँव भी, नाम क्या उसका? बिश्रा गाँव है, वहाँ से रावण वहाँ था, फिर वहाँ से उसे वरदान वगैरह मिला, तब वो सोने की लंका पहुँच के श्रीलंका गया। लेकिन वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि यहाँ पे आके भाई उसने पूजा वगैरह करी थी, तो इसलिए फेमस है। तो भाई चले, अब ये लोंडे लोगों का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हो दोस्त? अबे कहाँ जा रहे हो? आने दो दोस्त, आने दो। ये भाई जा रहा है, ये बड़ा पुजारी हमसे पहले जाएगा। हाँ ये है भाई मंदिर, क्या मस्त है भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। लाइन भाई, लाइन तो लग रही है भाई। अभी रैली आ रही है यहाँ पर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
भाई ऐसे 50 रैली निकली आज, ज्यादा बना ज्यादा कितनी 50 से ज्यादा भाई, बस ये बता रहा हूं 50 ज्यादा है ना, और भी बहुत ज्यादा है ना, मतलब और भी बहुत ज्यादा निकली पूरे देश में 50,000 निकली कम से। हां भाई निकली, तीन तो मैंने अटेंड करी है जो भाई 10 तो मैं देखूंगा, फुल डीजे भी लग के जा रही भाई पूरा 10 मैच वैसे अपने वहां देखा मेरे दस्ते तो भाई हाईवे वाला बंदा ना, हम थोड़ा अंदर रहते हैं, हाईवे वाला है मुआवजा वाला, शुक्रिया भाई, ये भाई का सब्सक्राइबर मिल रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया है एकदम, मजा तो इसमें आता है भाई, कैसा लग रहा है? फीलिंग सो एक्साइटेड हियर, अच्छा लग रहा है, मेरा दिवाली सी लग रही है भाई आज। देखो दिवाली जैसे तो माहौल बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ दिवाली जैसे तो माहौल है। देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ भाई, देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे लिखा हुआ जय श्री राम, ओम एक नाम जय श्री राम, एक किनारा जय श्री राम, एक किनारा जय श्री राम, देखो कितने भाई जोरदार नारे लग रहे हैं, देखो भाई लगा रहे हैं वहाँ पे, पूरे भाई जोश में है भाई, महोत्सव ही ऐसा है क्या कह सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देखो हम भी अभी देखो लाइन में लग गए हैं, और बाकी मेरे पीछे हैं और अजय और बाकी सब आगे हैं, और वहाँ से एंट्री है, तो अब हम जा रहे हैं अपने दर्शन करने। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ऑडियंस वोट ली जाए, ऑडियंस से जानते हैं विचार बातें कैसा लगा अनुभव यहाँ आके, बाकी बात करेंगे सब लोगों से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी भाई काफी देर लाइन में लगने के बाद अपनी होने वाली एंट्री, काफी देर हो गई, नहीं ज्यादा देर कहाँ हुई है, थोड़ा सा देर, तीसरी बार। आप भाई बड़े वाले राम भक्त हो ना, ये हिमांशु से भी बड़े वाले, हिमांशु से बड़े वाले, छोटे वाले हमें एक बार आ रहे हैं अभी, वो रैली में आज ज्यादा घूम लिए इस वजह से घर पर आराम कर रहे हैं। विश करते हैं, हम भी कुछ बोल देते हैं किसी को, मैं रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, माइक को हटा लेता हूँ। भाई मैंने बोल दिया, ठीक है, अब भाई मैं इसको म्यूट कर दूंगा, ठीक है, पहले बता कैसा लग रहा भैया आके? बहुत अच्छा लग रहा। कब आ रहे, मतलब कब आए थे यहाँ पे? लाइन में लगे। ज़्यादा लंबी लाइन है? लाइन तो भगवान के लिए क्या लाइन है, अब लंबी लाइन बताई जाएगी क्या? नहीं नहीं, भगवान के लिए भी लाइन बताई जाएगी, तो भगवान ने हम इस धरती पर उतार दिए एक इंसान का रूप बना के। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भैया ने एकदम। और बाकी फैमिली मेंबर में कौन कौन आया? फैमिली मेंबर ये सारे भैया आए, सब भाई भाई आए, तो एक बार जोर से नारा, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो मंदिर है ना, ये भाई काफी फेमस मंदिर है यहाँ पे, बोल बिल्कुल भी लाइन में यहाँ पे ना भाई, सुरेश रैना भी आ चुका भाई, नंगे पैर है वो, सर्दी में ना भाई पूरा ऐसा हो गया, पता नहीं लोग वैष्णो देवी कैसे जाते होंगे पैदल चल के, और थोड़ी देर में ही थोड़ा कहीं दूध बिखरा हुआ है, कहीं पे पानी है, तो भाई बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बुरा हाल है भाई, मजा आ रहा है यहाँ पे चारों तरफ, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल भाई भाई। अभी अंदर यहाँ पे गेट के ऊपर सबके सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांट रहा है, तभी मेरे को लड्डू मिला और एक बिस्कुट मिला, इसको भी लड्डू, इसको क्या मिला, अरे कोई कुछ अलग खा रहा था, इमरती से भी खा रहा था ना कोई, अभी अलग से ये खा रहा हूँ भाई, मेलोडी भाई बड़ा पेट आज दबा के भर गया, ना कोई नहीं, ये बता भाई यहाँ तो देखे राम जी को, अब अयोध्या कौन चलेगा भाई, चलो आज मेरे साथ कौन चलेगा, अभी बना नहीं है पूरा, अभी बना नहीं है, अभी चलो चलो, अभी बना नहीं है भाई, नहीं हाँ पूरा मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में बता रहा हूँ, नई वाली वंदे भारत में जाना ना, अपने वंदे भारत में, मेरी बात सुनो, 17 रुपए की टिकट है, कार्यक्रम जो मैंने सुनने में आया 40% हुआ जो बना है, जब पूरा 100% बन जाएगा ना सब चलेंगे, प्रॉपर देख के आएंगे, 100% भाई काफी, तुम लोगों को एक गिफ्ट जरूर दे, दो साल का, अबे थोड़ा बहुत तो बन गया है भाई, लोग गए हैं, थोड़ा परसेंट बना है, बन तो गया है, लेकिन अभी अलाउ भी तो नहीं कर रहा है वो, आज टिकट कर लेना, अच्छा अभी ज्यादा अलाउ नहीं है क्या,
वो नहीं कह रहा था कि मत भाई, अब जब भी अब जल्दी बनेगा जैसे बनेगा, जब घूमने वालों के लिए ओपन होगा, मैं तो पक्का जाऊंगा भाई, कितनी भी छुट्टी लेनी पड़े। 26 जनवरी को लाल किले के सामने क्या है ये तो परेड तो बाद की बात है, लेकिन अभी राम जी की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कुछ बोल रहे थे? मेरी तरफ से 26 जनवरी की रैली के लिए चल रहे हो? पास है, पास पास मैं अरेंज कराऊंगा। चलो कराओ, पक्का है भाई? डन है भाई, डन है। तो ठीक है भाई, अभी राम मंदिर का तो भाई अपना हो गया, भला जोश था लोगों में काफ़ी अच्छा लगा, तो वो सब हो गया। तो बस इस लोकल अभी इतना ही, बाकी भाई नेक्स्ट लोग मिलता है, तो तकलीफ आवा है।